किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन टूटने के महज एक महीने में ही बट्ठा बैठ जाएगा। दुष्यंत चौटाला की पार्टी से जिस तरह से नेताओं की भगदड़ मची है, वो नज़ारा आज से 6 साल पहले इनेलो में नजर आया था, लेकिन इनेलो के हालात और जेजेपी के हालात में बड़ा भारी अंतर है। इनेलो से नेता और वर्कर इसलिए भागे थे क्योंकि उन्हें पार्टी के अंदर ही दूसरे ग्रुप यानी दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के साथ अपना भविष्य नजर आया था, और इसलिए वर्करों की फौज वो दुष्यंत चौटाला की तरफ भाग खड़ी हुई थी, जबकि नेताओं का जमावड़ा परिवार के पार्टी के विभाजन के समय इनेलो के साथ ही बना हुआ था। बाद में बेशक से अभय चौटाला के साथ विधायक नहीं रहे, लेकिन उस समय पहली चोट के अवसर पर सबसे पहले वर्कर ही इनेलो से जेजेपी में भागे थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ हालात दूसरे हो गए हैं और दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े नेताओं में इस बात की होड़ लगी है कि कौन सबसे पहले भागेगा। आपको ये बता दें, पिछले एक महीने में ही लगभग 60 ग्रेड ए और ग्रेड बी के नेता दुष्यंत चौटाला को ठेंगा दिखाने का काम कर चुके हैं। इसके अलावा 4.5 साल के दौरान 90 बड़े नेता दुष्यंत चौटाला को छोड़ चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि आज जब गुरुग्राम के प्रत्याशी रहे सुबह सिंह वोहरा ने पार्टी छोड़ने का काम किया, तो उस समय जब हमने रिसर्च की तो हमने पाया कि दुष्यंत चौटाला के 2019 के 86 प्रत्याशियों में से 42 प्रत्याशी जेजेपी को छोड़ चुके हैं, यानी लगभग 50% प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी छोड़ चुके हैं। इतने संख्या में नेताओं का जाना दुष्यंत चौटाला की कार्यप्रणाली पर, दुष्यंत चौटाला के व्यवहार पर सवालिया निशान खड़े करने का काम किया है। आपको यह भी बता दें कि जेजेपी को छोड़ने वाले 90% लोगों ने यही कहा है कि दुष्यंत चौटाला का व्यवहार अहंकारी था, दुष्यंत चौटाला की वर्किंग अच्छी नहीं थी, दुष्यंत चौटाला की नीयत अच्छी नहीं थी और दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल के नक्शे कदम पर नहीं चले हैं। यही वजह है कि भारी संख्या में नेताओं ने पार्टी छोड़ने का काम किया है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से विधानसभा के 50% प्रत्याशियों ने जेजेपी छोड़ी है, उसी तरह से 70% लोकसभा के प्रत्याशियों ने भी पार्टी छोड़ने का काम किया है। आपको ये बता दें कि पिछली बार 2019 में जेजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें से 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी और 7 सीटों पर जेजेपी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कुरुक्षेत्र के डीडी शर्मा, सिरसा के निर्मल सिंह मलड़ी, भिवानी महेंद्रगढ़ की स्वाति यादव और गुरुग्राम के महबूब खान जेजेपी को कभी का छोड़ चुके हैं। यानी जेजेपी के साथ रहना अब किसी भी नेता को अपने लिए फायदेमंद नज़र नहीं आ रहा है और दुष्यंत चौटाला के साथ सियासत करने में अब किसी का इंटरेस्ट नहीं है। आपको ये बता दें कि जिस रफ्तार के साथ नेता दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को छोड़ रहे हैं, उसे साफ तौर पर आभास हो जाता है कि 25 मई से पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की सेंचुरी भी लग सकती है। आप खुद ही देखिए कि दुष्यंत चौटाला को विधानसभा के प्रत्याशियों में से किस किस ने बाय बाय टाटा करने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का ये अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। सबको ये लगा था कि लोकसभा चुनाव में खराब रिजल्ट आने के बाद ही नेता दुष्यंत चौटाला को छोड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही जिस तरह से नेताओं ने जेजेपी को छोड़ने का सिलसिला चलाया है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इससे साबित हो गया है कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों का ही भविष्य किसी भी नेता को सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है। और दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में हरियाणा का कोई भी जेजेपी का बड़ा नेता पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता है। सिर्फ अजय सिंह के गिने चुने साथी ही अब दुष्यंत चौटाला के साथ बचे हैं। आपको यह भी याद होगा कि दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका अजय सिंह चौटाला के साथियों की रही थी, लेकिन पिछले एक महीने में लगभग 35 के करीब अजय सिंह चौटाला के पुराने संघर्ष के साथियों ने भी पार्टी छोड़ी है। ये वो लोग थे जो परिवार के संघर्ष में भी अजय सिंह चौटाला के साथ में खड़े थे, दुष्यंत चौटाला की ढाल बने थे, लेकिन उनकी कदर नहीं की गई और सत्ता की हिस्सेदारी में दुष्यंत चौटाला ने ऐसे नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया जिसके चलते उनको पार्टी से मोह भंग हो गया और उन्होंने जेजेपी को अलविदा कह दिया। दुष्यंत चौटाला की सत्ता की हिस्सेदारी में नकली और फर्जी लोगों ने जमकर मौज की, वो जमकर पैसे भी कमा गए, वो जमकर पावर का इस्तेमाल भी कर गए और वो भी दुष्यंत चौटाला को अलविदा कहने का काम कर गए हैं। निशान सिंह जैसे लोग भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए जेजेपी को छोड़ गए हैं।
जेजेपी में, अब पूरे हरियाणा में ही बेहद कम नेता आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला के साथ नजर आते हैं। जेजेपी के 10 विधायकों में से 6 विधायक भी उनके खिलाफ खड़े हैं। बेशक अभी तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन वो पूरी तरह से जेजेपी के खिलाफ खड़े हैं और वो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। यानी दुष्यंत चौटाला के साथ में आज न पब्लिक है, न जेजेपी का वर्कर है और ना ही जेजेपी का नेता है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की अब दुर्गति होने के प्रबल आसार नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में ही अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी का बंटाधार होता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही जिम्मेदार है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जो जिम्मेदारियां बनती थी, दुष्यंत चौटाला का जो व्यवहार बनता था, वो दोनों ही ना तो जनता की नज़रों में खरा उतरे, ना ही वर्करों की कसौटी पर खरा उतरे और ना ही पार्टी के नेताओं को उनमें कोई भी अपनापन नजर आया। यही वजह है तीनों ही मोर्चे पर दुष्यंत चौटाला फेल हो गए हैं और दुष्यंत चौटाला के अहंकारी व्यवहार की वजह से ही और दुष्यंत चौटाला के खराब डीलिंग के वजह से ही न सिर्फ पार्टी के वर्कर दूर हो गए हैं, बल्कि वोटर और सपोर्टर भी जेजेपी को अलविदा कह गए हैं और उनके साथ साथ अब जेजेपी के अंधकारमय भविष्य को देखते हुए पार्टी के 90 नेताओं ने दुष्यंत चौटाला को अलविदा कह दिया है, जेजेपी को छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में जेजेपी की दुर्गति को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जेजेपी के साथ बने हुए बाकी के नेताओं के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।